वडोदरा शहर WWF फ्रंटलाइन वॉरियर्स अकोटा स्थित अकोटा खाते स्वतंत्रता पर्व की उत्साहभेर उजवणी करवामां आवी। WWF फ्रंटलाइन वॉरियर्स मुख्य मथक अकोटा खाते रामेश्वर साईनाथ मंदिर स्वयंसेवकना सौजन्यथी स्वतंत्रता दिवस की उत्साहभेर उजवणी करवामां आवी। 45 वधु बाळकोने ध्वजवंदन में भाग्यरूप बनावी भोजन कपड़ा और स्टेशनरी सेवा अर्पण करवामां आवी। WWF फ्रंटलाइन वॉरियर्स समग्र भारतवर्ष स्वयंसेवक तरफ थी 77 मां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं पाठवामां आवी। आज श्री रामेश्वर साईनाथ मंदिर तरफ थी 15 ऑगस्ट शुभ अवसरे ध्वजवंदन करवामां आव्युं अने नाना बाळकोने नास्तो वितरण करवामां आव्युं छे अने डॉक्टर सेनी साहेबना तरफ थी नाना बाळकोने कपड़ा पण वितरण करवामां आवशे। जे माटे अमारा साईनाथ आज का दिन हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है भारतवर्ष का 77 इंडिपेंडेंस डे हमने यहाँ पे सेलिब्रेट किया सेवा कार्यक्रम के द्वारा। रामेश्वर साईनाथ मंदिर हमारे विस्तार का और मधुरा शहर का गौरव है क्योंकि यहाँ पे नियमित रूप से भंडारा होता है, तो हमने ध्वजवंदन के साथ में यहाँ पे बच्चों को खाने का वितरण करके और साथ में कपड़ों का भी वितरण किया है। इसमें हमें सहयोग किया है बहुत सारे कार्यकर्ता स्वयंसेवक और अधिकारियों से, तो हम उनका आभार मानते हैं और आगामी दिनों में हम ऐसे ही सेवा कार्य पूरा कर सकें। तो इसमें हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे भक्तिशाली रूप से अपने सेवा में जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे जुड़े और इस तरीके से बच्चे जो हमारा फ्यूचर है देश का, तो उसके लिए उनके लिए जितनी सेवा कर सकें उतना कम है, तो आप भी जुड़े और हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तैयार कर सकें ताकि भारतवर्ष एक बहुत मजबूत देश बनेगा आगामी दिनों में। और जब हम इंडिपेंडेंस डे आगे के दिनों में मनाएं तो हम सही रूप में आज़ादी मनाएं जिसमें हम सभी रूप से सक्षम हों। मैं श्री पीयूष बैनर्जी केंद्रीय निदेशक भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से यहाँ पर आज के स्वतंत्रता दिवस समारोह के लक्ष्य में डब्ल्यू फ्रंटलाइन वॉरियर्स NGO है उन्हें बहुत रूप से काम करते हैं, उनके सहयोग से यहाँ अकोटा विस्तार में सेवा ट्रस्ट अकोटा में उनके तहत से यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन होता जो है उसका प्रधानमंत्री का कार्यक्रम किया गया। साथ ही जो स्ट्रीट चिल्ड्रेंस है और दो वर्ग के सभी परिवार के जो बच्चे हैं उनके लिए एक संस्कार का कार्यक्रम और उनको राष्ट्रभक्ति में हो और उन्हें देश के आने वाले समय के अंदर अच्छे नागरिक बन करके अच्छी तरह से अपना योगदान करें, अच्छी पढ़ाई लिखाई करें और राष्ट्र नागरिक होकर के हम जो ये आज़ादी का अमृत पर्व मना रहे हैं उसमें आने वाले समय के अंदर वो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें, अपने घर में परिवार में राष्ट्र विकास में योगदान दें, अच्छी पढ़ाई लिखाई करें, उज्ज्वल काम करें। इस तरह से ये और भी काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पर मैं इस क्षेत्र में रहता हूँ मुझे यहाँ पर रहा करके बहुत ही गौरव अनुभव हो रहा है। मैंने देखा कि यहाँ पर जो बच्चा ये काम कर रहा है पूरा है वो पूरे देश के अंदर पूरी तरह से राज्य के अंदर जो NGO काम कर रही है वही उद्देश्य देश का भी है जो हमारा भविष्य आप लोग मजबूत होंगे वही राष्ट्र निर्माण अच्छी तरह से हो पाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का हमारे देश का सभी का हमारा स्वप्न तो है हम एक विकसित राष्ट्र 2043 तक होंगे तो हो जाए तो इसके लिए कौन करेगा, तो आप लोग युवा पीढ़ी जो है अच्छी तरह से पढ़ेंगे लिखेंगे घूमने सबसे उसका संस्कार करेंगे और राष्ट्र के मेन तीन लाइन में विकास में कुछ ना कुछ डॉक्टर इंजीनियर अच्छा पढ़ाई लिखाई करके आप कुछ भी हो सकते हैं। आज बच्चे जो है हम लोग वही भविष्य है ना, लोगों को सबको संकल्प लेना चाहिए आज के લઈને ઘરે જતા રહેજો આગે પછી સ્ટોપ કરી જાઓ ઘરે જાઓ ઘરે ડાયરેક્ટ લઈને જતા રહેજો આગે Yeah.
ना बेटा।